चंपा चंपा जलकर राख गई होगी, बिल्कुल जलकर राख हो गई होगी। अब देर किस बात की, अब तो रो कलेजा ठंडा भर लो, बिल्कुल कलेजा ठंडा हो गया। अब तो मैं महल में चलकर आराम के नींद से सो जाएंगे। चलो चलो तो गंगा नहा लाओ, चलो यहाँ से अपने महल की ओर चलते हैं। हमको विश्वास नहीं है। क्या हमको विश्वास नहीं है कि चंपा मर गई। राइट, हरम ज्यादा कहीं का, पहले जहाँ चलाए थे वहाँ चलकर देखिए चंपा जिंदा है कि मर गई। ओ अभी तक तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास तो छे देख रहे हो, फिर धर क्या लगे थे परान। तो इसका मतलब है कि तुम्हें चलकर वहाँ देखना है। देखना है तो चलो बेटा चल करके ही देख लेते हैं। जब तूने अपने हाथों से चंपा की चीता में आग लगा दिया, फिर भी तुम्हें विश्वास हो रहा है कि चंपा अब तक जिंदा होंगे? तो ठीक है, यहाँ से चलते हैं चंपा के चीता के पास। एक दो तीन सारे चंपा देखो सुकरी का या मटर भाग लो। अरे ओ तो जलकर बिल्कुल राख हो गई। देखो जो कड़िया रंग के, यही राख को तुम्हें गंगा जी में जाकर छोड़ना होगा। शरम, मुर्दे को घर में रख कर क्या करेगा रे? अब तो विश्वास हो गया, चंपा बिल्कुल राम नाम सत हो गई। चल बेटा हाथी हला कहीं का बोलने का तमीज नहीं है। तोरे कमीज मिल लिया, तोरे कमीज मिल। अरे मैं तमीज के बारे में बोल रहा हूँ। ये तमीज हो, ये कौन सा भाषा है रा? ओ सही, मैं गड़बड़ा जैसी पर काबू महाराज। हाँ सही है, तो कोई भूत छो की आत्मा उसके हो? अरे ये आत्मा नहीं, पिताश्री ये लागे छो महाराज। ना मरता हूँ तो ही मर। क्या ना यह मरते, यह मरते मैं मर जाऊँ तो कहीं मर वो? लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ चंपा, जब मैंने तुम्हें भड़कती चीता में जिंदा जला दिया, तो फिर तुम किस प्रकार से जिंदा हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हे पिताश्री, ये तो भगवान इंद्र की कृपा है जो हम अब तक जीवित हैं। क्या इंद्र ने तुम्हें प्राणों को रक्षा किया? हाँ पिताश्री, उन्हीं की कृपा से मैं जीवित हूँ। शरम, पिताश्री मेरे सामने कोई इंद्र फिंद्र को नाम नहीं लो। तब जरा सब नाम इंद्र फिंद्र सब पूर्व के ऐसी तब अरे ज्ञान भगवान से खाओ। किसके बारे में बोल रहे तुम? इंद्र भगवान यह है बताओ। चंपा अभी भी मैं तुम्हें संभालने का मौका दे रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं है बेटी, अगर तुम्हारी प्राण बच गया मैं भी तुम्हें सीने से लगा लूंगा बेटी। हमरोत मोन करे छे की मर काबू, पांच गांव के पांच बोला एकरा पंचौती करी। किसको? एकरा एकरा मुई फुलबै वो इसको। तो ईटो देखियो, त ईटो हो ईटो देखियो एकरा बताइए। ओना नै चंपा मरथो, देखियो ईटो हो वैसे नहीं मरता महाराज। अरे ईटा क्या पत्थर लो, बड़ा वाला पत्थर, पत्थर से इसको मुंह भर दो। नहीं मानता ना,
फट्टा है ना क्या कहनो फट्टा तुम मुझे कर भाव बतबै छी हां भाव बतबै छी हां आओ तो भाव बता रहा है मुहे बिगारित में ब्रो जी ए चल बोल बेटी चंपा क्या तुम मुझे भाग विधाता मानने के लिए तैयार हो या नहीं चल बोल मैं अभी भी सीने से लगा लूंगा बेटी पिताश्री आप देख रहे हैं कि अपने हाथों से पुत्री को क्या क्या दुर्दशा नहीं की अभी भी आपकी आंखों में पट्टी बंधे पिताजी भगवान से पैर नहीं करने चाहिए अरे हरम जाली फिर तू मेरे सामने भगवान का नाम ले ले मैं तो कहा मेरे सामने कोई ईश्वर कोई भगवान नहीं आएगा आप जय जय आगे तू समान से हो गे आ सुनवा महामंत्री मैंने अपने बेटी चंपा के मुखारविंद से जो भी अच्छा खराब सब सुना उसके लिए मैं बेहद खुश हूँ आप बेहद खुश हैं लेकिन मैं आज तुमसे कुछ सवाल करने के लिए जा रहा हूँ हाँ बताओ हमरा कौन सवाल करबो मैं तुमसे यही सवाल करने के लिए चाहता हूँ बताओ कि तुम किसके भाग से खाते पीते हो और किसके भाग से इस महल में ऐश आराम करते हो आवा, आवा लड़का चल बोल रुको हम सोच बहुत तब ना सोचे छी हम केकरा भागवस कहे छी केकरा भागवस खाए छी केकरा भाग हां याद पड़ल हमर काबो क्या हुआ बता दियो हम तुरते बता दबो ए हो महाराज क्या हुआ हम खाए छी अपना मौगिक भागवस हां तो तुम अपने मौगिक भाग ऐसे बोलो कि आपके भाग से खाते पीते हैं मेरे भाग से खाते पीते लेकिन महामंत्री यह बताओ कि चंपा को लिए मैंने क्या क्या नहीं किया क्या क्या नहीं किया फिर भी चंपा अपने शरीर को छोड़कर प्राण क्यों नहीं निकल रहा का नहीं छोड़े छे तो ही कहां छोड़े छे क्या तो ही छोड़ी दो तो क्या मैं छोड़ दूं बताओ तो हूं जीती है वो जीती जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं चंपा को पीछा छोड़ने वाला मैं से नहीं हूं देखन जी हूं केकरो जीत केकरो हार हो जाऊं चल बताओ कि चंपा को मरने के लिए तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है आवा तो हमरो दिमाग भूसा भर लो दिमाग में तो अभी भी तुम्हारे दिमाग ने काम नहीं कर रहा है हमरा चार लड़खिया दही खिलाबो तब हमर दिमाग काम कर महामंत्री चल मुझसे पूछ मुझसे पूछ महाराज तो चंपा के लिए क्या करना होगा चंपा के लिए अब मुझे क्या करना होगा क्या करना होगा सबसे पहले यह बताओ इस सबेली में शादी का योग्य कौन है शादी की योग तो चंपा से की बड़का वो बड़ी है होशियार भी है बोलती भी अच्छी है महामंत्री तूने ठीक सोचा इस समय इस महल में शादी का योग्य है बड़ी बेटी चंपा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं चंपा के जगह छोटी बेटी चमेली को शादी करूंगा बाबू एकरा लोग दुस्त नहीं है कहते कि शादी की योग चंपा है शादी छोटी लाडली चमेली के कर रहे लोग आपको थूकेगा अरे मैं भाग विधाता हूँ महाराज तो ठीक है चमेली की योग लड़का ढूंढने जाएंगे अरे बेहुदा हेलो सब यौन है जी देखो बजो एकरो यौन है जी हम अगर
चंपा चमेली को अपने सामने